नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज iVOOMi ने भारतीय बाजार में अपना एक और नया स्मार्टफोन पेश कर दिया है। इसका नाम है iVOOMi Z1 और अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो आपको iVOOMi के ही सब ब्रांड इनेलो की याद आ जाएगी, क्योंकि सेम बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ यहां पर नाम चेंज कर दिया है। पर anyway, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सीधा सीधा फ़ोन का बॉक्स कंटेंट दिखाऊंगा और फ़ोन के बारे में बताऊंगा। और अब मैं इसके बॉक्स को खोल लेता हूं, यहां से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका बॉक्स कंटेंट। और इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एज़ यूजुअल ऊपर में फ़ोन ये आपको मिल जाएगा, काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन है। हालांकि बॉक्स इसका जो है वो इनेलो की तरह दिख रहा था, लेकिन फ़ोन वैसा नहीं है, लगता है कि बैटरी नहीं है इसलिए लाइट वेट लग रहा था। पर एनीवे, मैं आपको इसका बैक कवर खोल के दिखाता हूँ और मैं बाकी बॉक्स कंटेंट भी दिखाता हूँ आपको। इनको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, आपको बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलता है इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में ही आपको लिड खोलते ही बैटरी मिल जाएगी। इसको हम फिट कर देते हैं यहाँ पे और ये है एक वारंटी कार्ड। इसके साथ साथ आपको ये स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा, माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है और पावर अडैप्टर भी है। तो ये रही माइक्रो यूएसबी केबल, इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। और पावर अडैप्टर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि कितने एम्पियर और वोल्ट है इसकी। तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर अडैप्टर आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाता है, यानी जब आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदेंगे तो ये सारी एक्सेसरी आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाएगी। लगता है कि अब कम से कम दाम में नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन्स बनाने की रेस चल रही है और iVOOMi उसी रेस में फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए कंपनी एक के बाद एक नॉच डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स कम बजट में पेश की जा रही है। और ये स्मार्टफोन भी नॉच के साथ आता है, हालांकि नॉच बहुत बड़ा है और नीचे चिन भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन लुक वाइज 6,999 रुपये में ये फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन है, आपको ज़्यादा भारी भरकम फील भी नहीं होगा इस फ़ोन को पकड़ने के बाद। पीछे की तरफ आपको ये मैट फिनिश वाला प्लास्टिक पैनल मिल जाता है, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिम और दूसरा सिम दिया है और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट इस फ़ोन में आपको मिल जाता है। और बैटरी भी इसकी रिमूवेबल है, जो कि मैं आपको शुरू में दिखाई चुका हूँ। बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें कंपनी ने दिया है 5.67 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, टच रिस्पॉन्स बेहद ही स्मूथ है देख सकते हैं आप, और वाइब्रेंट भी है ये और ब्राइटनेस भी इसकी अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लगभग 30% ब्राइटनेस की हुई है और टेक्स्ट भी आपको शार्प दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का 6739 चिपसेट, जिसमें आपको 2GB रैम के साथ 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है और ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है। इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट भी मिलता है और इसमें 2800mAh की बैटरी दी गई है। वहीं बात करें कैमरा की, तो बैक साइड पर आपको मिल जाएगा 13MP का शूटर। शटर स्पीड थोड़ी स्लो है, पर अगर प्राइस देखें तो आप इतना डिसअपॉइंट नहीं होंगे। AI मोड के साथ आता है ये, यानी फ़ोटो को अपने आप डिटेक्ट करके आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मुहैया करवाने की कोशिश करता है। ब्यूटी मोड है, फेस क्यूट मोड है और बोके मोड भी आपको मिल जाता है। वहीं बात करें रेयर कैमरा की, वीडियो क्वालिटी की, तो आप इसके रेयर कैमरा से 1080p वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा पर नज़र डाली जाए तो 5MP का सेल्फी कैमरा दिया है और AI मोड इसमें भी है और बोके मोड भी आपको मिल जाता है। और वीडियो देखा जाए, इसके फ्रंट कैमरा से आप 720p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बार डेमो देखें, शटर स्पीड फ्रंट की भी थोड़ी स्लो है, पर एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्राइस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी कम से कम दाम में आपको लगभग सभी स्पेसिफिकेशन मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। और ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पर दिया गया है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल्स मिल जाएंगे आपको, राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर की मिलेगी, ऊपर की तरफ इसका चार्जिंग पोर्ट है और 3.5mm ऑडियो जैक है, और जो सिम ट्रे है वो बाहर से नहीं है, वो अंदर की तरफ ही सिम स्लॉट दिए गए हैं, जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ। अब एक बार, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को सेटअप कर लिया है, तो मैं आपको एक बार इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मिरर रखा है यहाँ पे और ये मैं इस पर फिंगर लगाऊंगा और ये फ़ोन अनलॉक, दोबारा लगाएंगे और ये फ़ोन अनलॉक, एक बार फिर से करते हैं,
फ़ोन अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट सेंसर एक्यूरेट तो है लेकिन थोड़ा सा स्लो लगा मुझे। और फेस अनलॉक का ट्राई किया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेस अनलॉक मोड भी एक्टिवेट हो गया है। देख सकते हैं कि रीड कर रहा है मेरे चेहरे को, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, स्लो है थोड़ा सा, लेकिन रीड कर रहा है ये। ओ, इस बार नहीं रीड कर पाया, एक बार फिर से करते हैं। तो एक आधी बार स्किप कर जाएगा, पर अदरवाइज इसने हर बार मेरे चेहरे को रीड किया है। ओवरऑल देखा जाए तो 6999 रुपये में फ़ोन इतना बुरा नहीं है। हालांकि आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन वाइज कम लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो हर चीज़ आपको इसमें मिल रही है। नॉच डिस्प्ले मिल रहा है, बोके मोड वाला रियर कैमरा मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, फेस अनलॉक मोड है। पर एनीवे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फोन को लेकर और भी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।